हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सीमा कुशवाहा फ्रॉम भारती ग्रुप ऑफ कॉलेज। आज हम पढ़ेंगे बीएससी सेकेंड ईयर का पेपर फर्स्ट का जो फर्स्ट यूनिट है उसका टॉपिक हम पढ़ रहे थे कार्नो इंजन। तो कार्नो इंजन का हम समतापी प्रसार तक पढ़ चुके थे। अब हम आगे पढ़ेंगे द्वितीय प्रक्रम रुद्धोष्म प्रसार। उसके पहले हम प्रथम प्रक्रम पढ़ चुके हैं समतापी प्रसार के बारे में। अब सेकेंड हम देखते हैं रुद्धोष्म प्रसार। अब जो सिलेंडर है स्त्रोत से हटाकर उसके आधार को पूर्ण कुचालक प्लेट के संपर्क में रखते हैं। इसके पहले प्रक्रम में हम सिलेंडर को ऊष्मा स्त्रोत के संपर्क में रखे थे। तो ऊष्मा स्त्रोत से हटाकर उसके आधार को पूर्ण कुचालक प्लेट के संपर्क में रखते हैं। मतलब ये जो सिलेंडर है उसको सबसे पहले हम ऊष्मा स्रोत में रखे थे इसके कांटेक्ट में, अब यहाँ से हटाकर पूर्ण कुचालक प्लेट के संपर्क में रखते हैं। पिस्टन जड़त्व के कारण सिलेंडर से बाहर निकलता रहता है। इस प्रसार से गैस चारों ओर से पूर्ण कुचालक में बंद होती है और इसमें जो पिस्टन है वो जड़त्व के कारण सिलेंडर से बाहर निकलता रहता है और इसमें गैस चारों ओर से पूर्ण कुचालक में बंद होती है। अतः यह जो प्रसार हो रहा है वो होगा रुद्धोष्म होगा। इस क्रिया में गैस पिस्टन पर कार्य करेगी जिससे गैस की आंतरिक ऊर्जा घट जाएगी अर्थात गैस का ताप गिरेगा। इस प्रकार गैस का प्रसार तब तक किया जाता है जिससे कि गैस का ताप T1 से गिरकर सिंक के ताप T2 के बराबर हो जाता है। इस प्रकार इसमें गैस का प्रसार तब तक किया जाता है जिससे कि जो टेम्परेचर है वो T1 से गिरकर T2 केल्विन तक हो जाता है, सिंक के ताप के T2 के बराबर हो जाता है। माना इस अवस्था में गैस का दाब है P3, आयतन है V3। अब इसमें बोल रहे हैं कि इस अवस्था में जो गैस का दाब है वो है P3 और आयतन है V3। इसे PV आरेख पर बिंदु C द्वारा दर्शाया गया है और इसे PV आरेख पर बिंदु C द्वारा दर्शाया गया है तथा इस क्रिया में गैस द्वारा किया गया कार्य W2 गैस की आंतरिक ऊर्जा में होने वाली कमी के बराबर होगा। ये जो क्रिया हो रहा है उसमें गैस द्वारा जो किया गया कार्य है W2 वो गैस की आंतरिक ऊर्जा में होने वाली कमी के बराबर होता है, बराबर होगा। तब आगे हम इसे सॉल्व करते हैं। अतः हम इसमें गैस की आंतरिक ऊर्जा में कमी देखते हैं। तो गैस की आंतरिक ऊर्जा में कमी बराबर होगा गैस द्वारा किया गया कार्य। गैस द्वारा किया गया कार्य हम यहाँ पे ले रहे हैं W2, उस पर लिए थे W1 समतापी प्रसार में। तो दो से प्रसार में W2 इक्वल टू होगा जो वॉल्यूम है वो V2 से बढ़कर V3 हो जाता है। तो यहाँ पे PdV, लेकिन PV गामा इक्वल टू होगा के पॉइसन निहितांक में हम पढ़े थे। तो PV गामा इक्वल टू के, तो यहाँ पे हम पी की वैल्यू निकालेंगे। तो ये आएगा के अपॉन वी गामा। अब हम इस पी की वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे तो W2 इक्वल टू V2 V3। पी की वैल्यू रखेंगे तो के अपॉन वी गामा डी वी। अब इसका हम समाकलन करेंगे V2 से V3। तो यहाँ पे
ये जो इसका फार्मूला होगा x की पावर n, ये हो गया x, एक मिनट, ये k है वो कॉमन निकल जाएगा, k को कॉमन निकाल देंगे, v2 से v3 k कॉमन निकल गया, यहाँ पे जो v अपॉन में v गामा था वो ऊपर चले गया, तो v माइनस गामा dv। अब ये जो फॉर्मूला यहाँ पे लग रहा है वो होगा x की पावर n, जो कि x की पावर n dx, इसका समाकलन होता है x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा k v माइनस गामा प्लस वन माइनस गामा प्लस वन अपर लिमिट v3 लोअर लिमिट v2। अब हम k है वो ऐसे लिखेंगे, माइनस गामा प्लस वन को बाहर निकालेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं वन माइनस गामा अपॉन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसको हम नीचे ले आएंगे तो ये हो जाएगा, एक बार अपर लिमिट रखेंगे v3 माइनस गामा प्लस वन माइनस v2 माइनस गामा प्लस वन। इसे हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा k 1 माइनस गामा 1 अपॉन v2 गामा माइनस 1 माइनस v3 गामा माइनस 1। इसे हम ऐसा लिख सकते हैं। अब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम आगे देखते हैं, यहाँ पे होता है P2 V2 गामा इक्वल टू P3 V3 गामा इक्वल टू K लेते हैं, तो यहाँ पे W2 इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे हम निकाले थे W2 की वैल्यू, तो W2 इक्वल टू 1 अपॉन, इसे हम लिख सकते हैं गामा माइनस 1। यहाँ पे हम k की जगह लिखेंगे अभी आगे p2 v2 गामा और p3 v3 गामा, तो इसे हम p2 v2 गामा और k की जगह इसे हम सॉल्व करते हैं w2 इक्वल टू 1 अपॉन गामा माइनस 1 p2 v2 माइनस p3 v3। यहाँ पे k की जगह p2 v2 गामा p3 v3 गामा रखने पर इसको आगे सॉल्व करने पर ऐसा आ जाएगा w2 इक्वल टू 1 अपॉन गामा माइनस 1 p2 v2 माइनस p3 v3। अब यहाँ पे P2 V2, P2 V2 इक्वल टू होता है R T1 और P3 V3 इक्वल टू होता है R T2, तो यहाँ पे P2 V2 की जगह रखेंगे हम R T1 और P3 V3 की जगह रखेंगे R T2, तो 1 अपॉन 1 माइनस गामा माइनस 1 R T1 R T2, ये हो जाएगा 1 अपॉन गामा माइनस 1 R कॉमन निकल गया T1 माइनस T2। इसे हम लिख सकते हैं PV R1 पर वक्र BC द्वारा आयतन अक्ष से घिरा क्षेत्रफल
बी सी सी बी बी ई। जो हम पी वी आरेख पढ़े थे उसे हम लिख सकते हैं यहाँ पे, पी वी आरेख पर वक्र बी सी द्वारा आयतन अक्ष से घिरा क्षेत्रफल बी सी सी बी बी। बी सी सी बी बी ए लिख सकते हैं इसे हम। तो बी सी द्वारा आयतन अक्ष से घिरा क्षेत्रफल हो जाएगा बी सी सी बी बी। तो ये था हमारा द्वितीय प्रक्रम। अब हम देखते हैं तृतीय प्रक्रम, समतापी संपीड़न। अब सिलेंडर को पूर्ण कुचालक प्लेट से हटाकर सिंक के संपर्क में रखते हैं। अब वापस हम डायग्राम में जाते हैं। सबसे पहले जो सिलेंडर था वो ऊष्मा स्रोत पर था, फिर उसे हटाकर पूर्ण कुचालक प्लेट पर रखा गया। अब थर्ड तृतीय प्रक्रम में पूर्ण कुचालक प्लेट से हटाकर ऊष्मा सिंक T2K पर रखते हैं सिलेंडर को। तो अब सिलेंडर को पूर्ण कुचालक प्लेट से हटाकर सिंक के संपर्क में रखते हैं तथा पिस्टन को धीरे धीरे सिलेंडर के अंदर सरकाते हैं। और जो पिस्टन लगा हुआ है सिलेंडर पर उसको धीरे धीरे सिलेंडर के अंदर सरकाएंगे। इस क्रिया में गैस है वो संपीड़ित होती है तथा पिस्टन द्वारा गैस पर कार्य किया जाता है। चूंकि यह प्रक्रम और यह जो प्रक्रम है वो धीरे धीरे किया जाता है तथा सिलेंडर है वो सिंक के संपर्क में रहता है, अतः गैस का ताप नियत T2 केल्विन पर बना रहता है तथा संपीड़न में उत्पन्न हुई ऊष्मा सिंक को निष्कासित कर दी जाती है। इस प्रकार यह संपीड़न है वो समतापी है। माना इस क्रिया में गैस का आयतन V3 से घटकर V4 तथा दाब है वो P3 से बढ़कर P4 हो जाता है, लेकिन ताप T2 ही रहता है। यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो गैस का आयतन है वो V3 से घटकर V4 तथा दाब P3 से बढ़कर P4 हो जाता है, लेकिन ताप है वो T2 रहता है। पीवी आरेख पर इस अवस्था को बिंदु D से दिखाया गया है तथा वक्र CD गैस का समतापी संपीड़न व्यक्त करते हैं। और जो वक्र CD है, CD गैस का समतापी संपीड़न व्यक्त करते हैं। इस क्रिया में गैस पर किया गया कार्य W3 सिंक को निष्कासित ऊष्मा Q2 के बराबर होगा। और इस क्रिया में जो गैस पर किया गया कार्य W3 वो सिंक को निष्कासित ऊष्मा Q2 के बराबर होगा तथा गैस की आंतरिक ऊर्जा वो अपरिवर्तित रहेगी। तो अब हम सिंक पर निष्कासित ऊष्मा निकालेंगे। Q2 बराबर गैस पर किया गया कार्य हो जाएगा W3। तो यहाँ पे हम PV इक्वल टू लेते हैं RT2। तो यहाँ पे हमारा जो यहाँ पे हम लेंगे गैस का जो आयतन है वो V3 से घटकर V4 हो जाता है। तो यहाँ पे हम V3 से V4 घट रहा है यहाँ पे आयतन, इसलिए यहाँ पे माइनस ले रहे हैं। तो V3 से V4 PdV। यहाँ से हम P की वैल्यू निकालेंगे तो P की वैल्यू निकल जाएगी RT2/V। अब हम इस वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे इस वाले इक्वेशन पे, तो P की वैल्यू हो जाएगी W3 इक्वल टू माइनस V3 से V4 RT2, P की जगह रख दी RT2/V dV। अब यहाँ पे RT2 है वो कॉमन निकल जाएगा, तो माइनस V3 से V4 1/V dV। तो यहाँ पे समाकलन पे 1/x dx का होता है log ex। तो यहाँ पे हम 1/V हमारा, तो यहाँ पे हो जाएगा log V। तो RT2 log V। तो यहाँ पे जो अपर लिमिट है वो है V4 और लोअर लिमिट है V3।
तो यहाँ पे माइनस है, इसलिए हम इसको चेंज कर दिए वी थ्री और अपॉन वी फोर। लॉग एम माइनस यहाँ पे होगा लॉग वी फोर अपॉन वी थ्री, लॉग एम अपॉन एन, तो लॉग एम माइनस लॉग एन होगा। तो यहाँ पे माइनस है करके हम वी फोर वी थ्री से वी फोर लिए। तो इसे हम लिख सकते हैं पी बी आर एम पर वक्र सी डी द्वारा आयतन अक्ष से घिरा क्षेत्रफल सी डी डी सी सी। तो यहाँ पे हो जाएगा सी डी डी सी डी सी और डी, सी डी डी सी और डी। पी वी आर ए पर वक्र सी डी द्वारा आयतन अक्ष से जो घिरा क्षेत्रफल होगा वो होगा सी डी सी डी और सी।